माधुरी और आलिया बोल रहे हैं। सॉरी सॉरी, चर्चा में आपका तो माधुरी जी के साथ डांस करना पड़ता है। एक्सपीरियंस सर, अभी जो बात आपने कही ना, आप बस जले पे नमक छिड़क रहे हो। डांस मैंने नहीं किया है इस फिल्म में अनफॉर्चुनेटली, जितना भी मैं चाहती थी। सत्या का कैरेक्टर ही ऐसा है कि जो सिचुएशन में वो है, वो सॉन्ग एंड डांस का हिस्सा नहीं बन पाए। बट आलिया ने डांस किया है माधुरी जी के सामने, एंड आई थिंक दैट वुड हैव बीन अ सरियल एक्सपीरियंस फॉर हर, बिकॉज हर एक्ट्रेस कभी ना कभी उन्होंने माधुरी मैम को यू नो आइडलाइज किया है। करेक्ट, हमें इतनी रिस्पेक्ट है उनके लिए, एंड मैं बस इस बात से खुश हूँ कि आई एम यू नो आई हैव डन अ फिल्म विथ हर इन माई लाइफ टाइम, एंड टू बी अ पार्ट ऑफ द सेम फिल्म एज हर इज अ कम्प्लीट ऑनर। हाँ, यही सब चक्कर काट रहे थे हम, कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी गुरुद्वारे के चक्कर, और कभी कोर्टों के चक्कर काट रहे थे। बट फाइनली आई थिंक 11 अप्रैल को जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। There's always a divine blessing. अगर आपके साथ सच्चाई है तो सब अच्छा ही होगा। So we're excited about 11th April, यार। Lot of people are going to come and celebrate this film with us. Okay sir, आपको शायद तो पता होगा कि नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं मुंबई। So are you planning to keep any special screening for him? I think he's a man who keeps working. People say when he sleeps and when he gets up. So I think he has a lot of other work for the country. In 2 hours, he can do anything. So, and that he's proved in last 5 years. So I think he'll do better work than watching a film. But we'll be honored if he watches our film and calls us, or if even if we get a compliment from him.